सो हेलो फ्रेंड, तो आज जो करना इस टाइप की जो सीवी फोटो एडिटिंग और जो इस टाइप की जो सीवी एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो जो बिना स्क्रिप्ट के लास्ट देखना। हम लोग इस टाइप की जो सीवी एडिटिंग इसलिए कर पाए, ठीक है, और असली वीडियो काफी दिन तक कमाल की होने वाली है, ठीक है। वीडियो को कभी भी जो स्किप मत करना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब दोस्तों नॉर्मल फोटो और एडिटिंग की फोटो काफी दिन तक कमाल की लग रही है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो और इस वाले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फोटो से रिलेटेड हमेशा अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस फोटो जो लाइटरूम एप्लीकेशन जो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो लोग देख सकते हम आज चीज़ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले लाइट पे क्लिक कर लेते हैं। एंड मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग जो है फोटो को सबसे पहले देख लेना, ठीक है। फोटो पर लाइट कैसा है, ठीक है। सबसे पहले जब को देख लेना कि आपका हमारे बैकग्राउंड में जो बहुत ही ज़्यादा लाइट है लेकिन हमारे फेस पर जो बिल्कुल लाइट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कैसे ठीक करना, ठीक है। तो जो हमारे सबसे पहले जो हमारे शेडो को जो बढ़ा देंगे तो हमारे फेस पर जो लाइट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बढ़ने शेडो बढ़ाने के बाद देख सकते हमारे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लाइट आ गया है लेकिन हमारा जो है हाईलाइट जो है कम कर देंगे लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड में लाइट जो था ना वो जो है चला जाए, ठीक है। बिल्कुल ही स्ट्रीक का यूज़ करना है, ठीक है। मतलब देख लेना अपने फोटो के हिसाब से, अगर आपको लाइट ज़्यादा है तो इसको कर लेना, ठीक है। मैं जो इस टाइप से जो है लाइट का एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, आप लोग इस टाइप से कर लेना, ठीक है। एंड करने में जब जो मिक्स पर जो है यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं एंड जो है मैं जो यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँगा, ठीक है, अपने फोटो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जैसे मैं लिमिट्स को थोड़ा ज़्यादा कर लिया हूँ एंड आप लोग फोटो को कर लेते हैं जूम, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एंड जो मैं जो इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है। और जो इस कलर को जो हम इसको लिमिट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, हमारे सीवी एडिटिंग के लिए जो है लिमिट्स हमारा ज़्यादा, ठीक है, हमारे फेस पर जो चमक ज़्यादा रहेगा तो हमारा फोटो बिल्कुल ही ऑसम लगेगा, ठीक है। हम जो इस टाइप से जो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, हल्का हल्का सा। वीडियो को लास्ट देखो, आपको जो पूरी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट देखो, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक एक चीज़ को क्लियर देखो तभी जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं जो हल्का हल्का शेप से इसको दे देता हूँ, ठीक है, तो अभी जो हमारा फोटो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं जो इसको इस टाइप से कर लूँगा, ठीक है, आप लोग जैसे हमारा फोटो बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। हम इस टाइप से इसका जो सबसे पहले लिमिट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, हमारा लिस्ट पर जो है कम जो लिमिट्स था। एंड अब जो हमें टेक्चर क्लिक करके जो है टेक्चर इनकी क्लैरिटी को दोनों को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आप लोग फोटो देख सकते हो, फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हो। तो अब जो है इस फोटो को आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो इस फोटो को हमें जो आप शेयर कर लेना होगा, ठीक है, सनासर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो हम बहुत अच्छी क्लैरिटी एंड जो बहुत ही अच्छे अच्छे एडिट करेंगे वहाँ पर, हम जो सनासर एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारे चाहिए सनासर एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग देख सकते हो हम जो टूल्स पर क्लिक कर लेते हैं एंड टूल्स पर क्लिक करने में जब हम टून में इस पर जो क्लिक कर लेते हैं एंड इसके जो एमबीएस को बढ़ा देंगे और एमबीएस को बढ़ाने के तो आप लोग फोटो को देख सकते हो हमारे फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है। अब जो हम हाईलाइट्स को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं और इसकी जो शेप्स को हल्का से थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही हम जो इस टाइप से जो है रख लेते हैं एंड इसकी जो कॉन्ट्रास्ट को जो कम कर लेते हैं, ठीक है, और इसके शेयर को जो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड बढ़ाने के बाद आप लोग देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। और अब जो हमें डिटेल्स पर क्लिक करें, जो हमें 100 डिटेल्स कर देना है, ठीक है, और ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा, ठीक है, एंड आपको व्यू एडिट पर क्लिक कर लेना होगा एंड डिटेल्स पर क्लिक कर लेते हैं। एंड क्लिक करने के बाद जो आप बस इसको जो है टी शर्ट पर जो अप्लाई कर लेना, ठीक है, आपको जो यहाँ पर जो बस टी शर्ट पर अप्लाई कर लेना और आपका फोटो देख सकते कितना मस्त लगता है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको जो है वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं जो इसको जल्दी से शेयर कर लेता हूँ। तो अभी लोग फोटो देख सकते हो तो हमारा फोटो पर कितना अच्छा क्लियरिटी आ गया, ठीक है। इसको जो हम बैक कर लेंगे एंड यहाँ पर जो हम जो फिर से डिटेल्स इसको हल्का सा कर देंगे, ठीक है, जो हमारे फेस पर डिटेल्स नहीं है तो हमने इसको जो डिटेल्स हल्का सा दे दिया एंड जो हम सिलेक्ट टूल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हमारा जहाँ पर ब्लैक है ना इसको जो यहाँ पर बस सिलेक्ट कर लेना है हमें इस टाइप से, ठीक है, हम जो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर ब्लैक है ना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी लोग फोटो देखते हैं हमारे फोटो कितने एकदम मस्त लग रहा है। अब जो इस फोटो का आपको शेयर करना होगा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, वहीं पर जो हम बहुत ही अच्छे जो सीवी एडिटिंग करेंगे, ठीक है, हम जो वहाँ पर शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो हम आ चुके थे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जबकि जो है टूल्स पर जो क्लिक कर लेना, ठीक है, एंड आपको जो है यहाँ पर जो है इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो हार्ड डिजल ब्रश है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड हम जो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सेटिंग पर जाना होगा एंड जो इसकी अमाउंट को 100% रख लेना है, ठीक है, ऐसे सारी चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हो। और करने के बाद जो अब जो फोटो को कर लेना जूम, ठीक है, एंड जूम करने के बाद जो है एंड इस तरह से जो आपको ब्रश कर लेना, ठीक है, आप जो है यहाँ पर हल्का हल्का से कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग चाहते हो कुछ ही क्लिक के अंदर जो है बैकग्राउंड को जो है रिमूव करना, तो अब जो है मेरे जो है वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पर, ठीक है, मेरा जो चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है, मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दिया, बस अब एक ही क्लिक के अंदर जो है ऑनलाइन जो है
बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं जो यहाँ से करूँगा, ठीक है, यहाँ पर जो अपने हिसाब से मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कुछ खुद के हिसाब से एडिटिंग करना तो आप जो इसी टाइप से जो बैकग्राउंड को इरेज करना। ठीक है, फोटो में थोड़ा ज़्यादा टाइम देके जो है इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना। ठीक है, और मैं जो जल्दी कर लेता हूँ, ठीक, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी इसको कर लेता हूँ। ठीक है, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमने जो बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छी तरीके से जो बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है। ठीक है, और आप लोगों को जो बैकग्राउंड को रिमूव करना नहीं आता, मैंने जो फिर से बोल रहा हूँ, अब जो है उस वीडियो को देख के जो बस एक ही क्लिक के अंदर जो बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो हम क्लिक कर लेते हैं एंड आपको जो है मैं मेरे पास बहुत सारा सी भी बैकग्राउंड है। ठीक है, आपको जो सी भी बैकग्राउंड दे दूँगा, अब जो बस डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड डाउनलोड करने के बाद जो इसको जो ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करने के बाद जो बस इसको जो नीचे कर देना है, एंड नीचे करने के बाद आप लोग फोटो देख सकते हो। कोई सी भी फोटो अगर यहाँ पर लगाओगे आपको फोटो देखने कितना मस्त लगता है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा जो सी भी बैकग्राउंड है। ठीक है, सी भी बैकग्राउंड को कैसे डाउनलोड करना वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत सारा वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर है, आप लोग देख सकते हो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो आपको जो बहुत सारा वीडियो जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे जो बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, कैसे बैकग्राउंड बनाना है, एंड कैसे जो बैकग्राउंड को बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ मेरे पास जो है, ये जो है मेरा खुद का जो बैकग्राउंड है। ठीक है, इस फोटो का ही बैकग्राउंड जो है इस टाइप से सी भी एडिटिंग किया। ठीक है, अगर आपको जो बैकग्राउंड को सी भी एडिटिंग करना नहीं आता, मैंने उसके लिए भी वीडियो बना दिया। ठीक है, बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देख सकते हो, देख के जो बहुत ही अच्छा एडिट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप और सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो ब्रश पर जो क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रश पर क्लिक कर लेंगे स्मच पर, एंड इसको जो हम सेटिंग देख लेना, आपको जो है अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, बस जो है मैं इसको 7x7x रख लेता हूँ, एंड सारी चीज़ अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, इन दोनों को जो बस इस टाइप से रख लेना। ठीक है, इस फॉलो को थोड़ा हमेशा थोड़ा ज़्यादा कर लेना 1%। ठीक है, एंड इसको जो हम कर लेते हैं साइज को जो है अपने हिसाब से, एंड जो है फिर करते कुछ इस टाइप से जूम। ठीक है, जो मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस टाइप से फोटो को जूम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग फोटो देख सकते हो, फोटो कितना मस्त लग रहा है। हम जो इसको जल्दी से जो फेस कर लेंगे। ठीक है, हम जो जल्दी इसको कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो कितनी अच्छे से जो फेस को जो स्मूथ कर लिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर स्मूथ करने के बाद आप लोग जो मैं सी भी चमक जो देके दिखाऊंगा। ठीक है, एंड सी भी चमक देने के लिए आपको जो है एमडी लेयर बनाना होगा। ठीक है, एक एमडी लेयर बना लेना, एंड बनाने के बाद जो आपको ब्रश में क्लिक करके जो है मीडियम ब्रश को बस सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो हम इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर जो इसका सॉफ्ट लाइट बस कर लेंगे, यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर लेंगे। एंड करने के बाद जो है अब जो है हमें बस फेस पर जो बस इसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से जो हमें फेस पर जो है चमक आ गया। ठीक है, अब लोग जो इस टाइप से करोगे आपको देखना फेस कितना अच्छा लगता है। ठीक है, हमारा फेस पर ज़्यादा चमक इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा जो है हमारा फेस लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इस टाइप से करोगे आपका फेस देखने कितना अच्छा लगता है। ठीक है, हम जो इसको जल्दी से इसको जो है फेस पर लाइट देते हैं। ठीक है, आप लोग जो इस टाइप से कर लेना। तो आप लोग देख सकते हो हमने जो है कितनी अच्छी तरीके से जो फेस पर जो चमक कर दिया है। आप लोग देख सकते हो, अगर आपको कम चमक कम है अब थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो हमने अभी तक चमक नहीं दिया, हम जो इस टाइप से चमक दे देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोग फोटो को देख लीजिए, फोटो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, हम जो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर भी बाकी है, एंड अभी जो आप फोटो को देख सकते हो हमारा फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। ठीक है, अब फोटो को बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप लोग इस टाइप से करोगे तो आपको फोटो देखने कितना मस्त लगता है।
जो हमारे यहाँ पर भी बाकी है इसको भी कर लेते हैं, एंड करने के बाद आप फोटो को देख लेना फोटो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस टाइप से करोगे आपको फोटो बहुत ही मस्त लगेगा। ठीक है, एंड अब जो है इसके ब्रश को साइज को कम कर लेना है। ठीक है, और हेयर पर अब जो है इसको अप्लाई करना नहीं है। ठीक है, तभी जो आपका जो है बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब जो आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, कोई एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा एकदम। ठीक है, ये होता है रियल एडिटिंग। ठीक है, अब जो इस टाइप से करोगे आपका फोटो बिल्कुल ही मस्त लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी लोग फोटो देख सकते हो कितने ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड इसको हटाने के बाद जो फोटो बिल्कुल बेकार लग रहा है, लेकिन इसका हटाने के बाद फोटो बिल्कुल मस्त लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको लिप्स का कलर करके दिखा देता हूँ। एंड ब्रश को इसको सिलेक्ट कर लेना, बस इसी अमाउंट को जो है 100% कर लेना। ठीक है, इसके अमाउंट को 100% कर लेना। एंड जो आपको यहाँ पर जो बैक करके जो कलर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड जो रेड कलर को बस आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, रेड कलर को सिलेक्ट करना। एंड सिलेक्ट करने के बाद जो इस टाइप से जो है लिप्स का बस कलर देना है इस टाइप से। ठीक है, एंड लिप्स का कलर देने के बाद जो है इसका जो है ओपेसिटी को हल्का सा कम। ठीक है, एंड करने के बाद जो है हल्का सा इस टाइप से कर लेंगे। बस आप लोग फोटो को देख लेना, फोटो कितना मस्त लगता है। ठीक है, तो अभी जो है अब जो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, किस टाइप से करना है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, एंड इसका जो है कलर को कर लेते हैं कम। एंड इसका जो हम कलर को चेंज कर लेंगे। ठीक है, एंड इसको जो आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अपने लिप्स के कलर के अकॉर्डिंग रख लेना। एंड जो है जो ब्रश पर कर लेंगे और हार्ड इरेजर ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसका जो है ऊपर की पार्ट को जो है बस ऐसे लिप्स पर हटा देंगे। ठीक है, जो इस टाइप से हटा लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, इस टाइप से और इसके ऊपर चलाना है हल्का हल्का। ठीक है, तो पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम रियल ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक के यूज़ करना हमेशा फोटो देखना कितना मस्त लगता है। ठीक है, एंड अब लोग यहाँ पर जो है इसके जो है हम इसको जो है लाइट्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लाइटनेस को अच्छी से इसको बढ़ा देंगे और इसका जो हम कलर को थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, जो कोई भी कलर को रखना चाहते हो उस कलर को रख सकते हो। मैं जो इस कलर को रख लेता हूँ, एंड को अपने हिसाब से कर लेता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है आपको, एंड मैं जो इस कलर को रख लेता हूँ एंड इसको डन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी वाला फोटो देख सकते हो फोटो कितना मस्त लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो है बस हेयर को एडिट करना बाकी है। ठीक है, हेयर को कैसे एडिट करना है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके जो डुप्ली कलर बना लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप खराब हो जाते हो आप जो है डायरेक्ट जो है रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसके जो बना लेना एंड जो आपको जो यहाँ पर जो आप इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप जो है इस वाले ब्रश का भी सिलेक्ट कर सकते हो हेयर के लिए। ठीक है, अगर आप लोग हेयर एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वाले ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। और आज मैं इस वाले ब्रश का यूज़ करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तो उस वाले ब्रश से कैसे जो आपको ब्रश जो है यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज जो इस वाले ब्रश से आपको बताऊँगा। ठीक है, लोग सेटिंग को देख लीजिए। ठीक है, सेटिंग इसको कम रखते हैं स्टैंड को और इसके फॉलो को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक, एंड जो है साइज को अपने हिसाब से कर लेता हूँ। एंड ऐसा कर लेते हो फोटो को जूम। ठीक है, बस हेयर के पास जो है हम हेयर को एडिट करेंगे। ठीक है, एंड हेयर को देख लेना। ठीक है, लोग देख सकते हो हमारा हेयर कितना अच्छा लग रहा है। इस टाइप से करेंगे। ठीक है, साइड में जो इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, बाद में हम जो पहले इस टाइप से इसको कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो है हेयर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा जो हेयर हुआ है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर जो है साइड पे जो है हेयर थोड़ा आ गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हेयर है हमारा, इसको जो हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, रिमूव करने के जब को फिर से हार्ड इरेजर ब्रश को जाना है। ठीक है, एड करके इमान को 100%। ठीक है, रखने के बाद जो है अब जो है इस टाइप से पहले रिमूव कर लेना। ठीक है, इसका जो इसको भी रिमूव कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि हमारा डुप्लीकेट लेयर बना था तो इस टाइप से दोनों में करना होगा। ठीक है, हमको हल्का हल्का सा कर लेते हैं।
एंड अभी आप लोग फोटो को देख सकते हो, हमारा फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। ठीक है, आपको जो बस हेयर को जो है बहुत ही अच्छा क्लियरिटी देना है। ठीक है, लाइट रूम का सिलेक्टिंग टूल का यूज़ करके अब लोग फोटो देखने कितना मस्त लगता है। ठीक है, मैं जो आपको सनसेट में करके बताऊंगा। ठीक है, इस फोटो जो मैं सनसेट एप्लीकेशन में शेयर करके जो आपको बताऊंगा, इस टाइप से जो आपको बहुत ही हार्ड जो है अब जो है डिटेल्स दे सकते हो। ठीक है, तो हम अगर सनसेट एप्लीकेशन में जो टूल्स पर क्लिक कर लेंगे और डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे एंड इसे 100% कर लेंगे। ठीक है, डन कर लेंगे एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर व्यू एडिट पर क्लिक करना। ठीक है, गलती से शेयर पर क्लिक कर दिया एंड बस हमें जो है यहाँ पर जो है बस कपड़ों पर जो हमें शाइन लाना है। ठीक है, कपड़ों पर यूज़ कर लेंगे लोग, जावर से भी एडिटिंग करते हो ना, अगर आप कपड़ों पर शाइन देखो, आपको फेस दिखना, फोटो दिखना कितना मस्त लगता है। ठीक है, और फेस भी बहुत अच्छा लगेगा, बाद में आपको बताऊंगा कैसे करना है। एंड इस टाइप से हेयर पर बस अप्लाई कर लेना। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, एकदम पूरी वीडियो लास्ट देखो आपको जो समझ में आ जाएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। एंड आप लोग यहाँ पर जो इस टाइप से कर लेना, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, इसको डन कर लेना। ठीक है, एंड इसको जो इस टाइप कर लेंगे एंड जो हमारे फोटो पर जो इस टाइप से हल्का से डिटेल्स कर देंगे और अभी हम लोग फोटो को देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड इसको जो ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे बस एंड यहाँ पर फेस पर भी एक रख देंगे इस टाइप से और हमारा लिप्स पर भी एक रख देंगे। ठीक है, क्योंकि लिप्स हमारा ब्लैक है एंड इस टाइप से कर लेंगे, इसे ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, इसे डन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फोटो देख सकते हो कितना मज़ा मस्त लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फोटो से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।